हेलो फ्रेंड्स मैं अमित कौशल जुप्टर स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट्स चंडीगढ़ से मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा स्पेशली फॉर ऑस्ट्रेलिया तो ये वीडियो भी उसी वीडियो, उन्हीं वीडियो की सीरीज में वीडियो है ज़्यादा लंबी नहीं होगी दो या तीन मिनट्स की वीडियो होंगी बट इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई वुड लाइक टू क्लियर क्लैरिफाई करना चाहूंगा क्योंकि स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया को लेकर बहुत ज्यादा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है और अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मोस्टली आप लोग जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा प्रोसेस जो है वो हर एक एजेंट नहीं कर सकता या नहीं कर रहा क्योंकि इसके लिए स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए जो कि बाकी कंट्रीज के वीजा प्रोसेसिंग के लिए जरूरत नहीं है तो ऐसे बहुत सारे एजेंट्स कंसल्टेंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में गलत जानकारी देके भ्रांतियां फैला रहे हैं तो उन चीजों को दूर करने के लिए और आपको और एजुकेट uh, करने के लिए अबाउट स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया सो आई एम मेकिंग दीज वीडियोज जैसा आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा कि नया लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस हुआ है ऑस्ट्रेलिया में जिसपे स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट नंबर पे कैपिंग की बात हुई थी उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी वो जो कैपिंग है दैट हैज़ बीन हॉल्टेड उसको अभी के लिए विराम दे दिया गया है और उसके ऊपर जो दोबारा डिसीजन लिया जाएगा वो 2025 हज़ार की जनवरी में लिया जाएगा तो अभी फिलहाल जनवरी 2025 से पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर के ऊपर कैपिंग नहीं है आ, तो जो भी आपको बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने वीजे बंद कर दिए कैप लगा दिया है वो बिल्कुल भी इस टाइम पे सही नहीं है आ, कैपिंग अगर होगी भी तो वो सॉफ्ट कैपिंग होगी इट वुड नॉट यू नो वो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करेगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जिस तरह से बातों को प्रेजेंट किया जा रहा है सॉफ्ट कैपिंग में खैर अभी तो ये फिलहाल के लिए तो बंद हो गया है कोई कैपिंग ऐसी नहीं है अगर होगी भी सॉफ्ट कैपिंग होगी उसका पर्पज बेसिकली यही होगा टू नेविगेट द इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन टू सर्टन रीजन सो दैट उन पार्ट्स में भी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ग्रोथ हो सके और उस पार्ट की इकोनॉमी को भी ग्रोथ uh, मिल सके तो उसके बारे में अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये चीज़ जो है अभी एप्लीकेबल नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैपिंग के लिए लेजिस्लेशन में बात हुई थी वो कैपिंग जो है अभी के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है उसको स्टे कर दिया गया है इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा जनवरी 2025 में तो ये आपको मैं बताना चाहता था और इससे बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलेगा और जो नेगेटिव न्यूज अबाउट ऑस्ट्रेलिया फैलाई जा रही है उसको भी विराम मिलेगा थैंक यू सो मच